शराबबंदी को समझाएंगे कैसा शराबबंदी है ये? सर दो तीन बात समझिए, विधवा टीम आई है अभी, विधवा समूह, एक समूह है विधवा विधायक समूह, उनसे यह पूछिए कि रामस्वरूप राय के घर में पकड़ाया था, रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में पकड़ाया था, और उनसे यह पूछिए कानून बन रहा था तो वो किसके साथ थे। तीसरी बात यह पूछिए कि इसके पहले तीन जगह उसी भट्टी के शराब से 12 आदमी, 13 आदमी, 14 आदमी, 11 आदमी मरे थे, तब बीजेपी का विधवा समूह कहाँ था? तीन, चौथा, गुजरात में एक महीना पहले 60 आदमी मरा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दिए, 1200 लोग मध्य प्रदेश में मरे, आंकड़ा उन्हीं के वेबसाइट पर है, तब वहां के मुख्यमंत्री दे दिए, कर्नाटक में 200 लोग दे दिए, उत्तर प्रदेश में मरे दे दिए। मेरा सवाल सीधा है कि अनिल सिंह धनंजय सिंह कौन है, और रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू क्यों मिलता है, और रूढ़ी जी और रामस्वरूप राय को आप निकाले, और क्या नगर निगम नगर निकाय का चुनाव और MLA MLC MP का चुनाव बगैर दारू बांटे होता है? जो विधवा समूह यहाँ आए हैं क्या वो बताएंगे कि वो दारू नहीं बांटते हैं? क्या दारू आज जो दारू बटी है वो नगर निगम के 18 तारीख के चुनाव के कारण नहीं बटी है? सिर्फ नाम FIR में हो उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो, भट्टा नहीं हो, क्या हो जाएगी गिरफ्तारी? क्या अनिल सिंह पकड़ा जाएंगे? कौन है दीनानाथ जी? मैं नहीं जानता हूँ, उसकी भी चर्चा होती है। किन किन का 50 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मसरक बॉर्डर पर है और बॉर्डर के तीन जिला पर है, और यहाँ पर लालू यादव जी का राज है, रूढ़ी जी का, अन्य लोगों का राज है, परमुनाथ भाई का राज है। पप्पू यादव न राजपूत, न जादव, न तेलीसौ, न बाबा, न भूमियार। हम तो आ गए 10-10 हज़ार रुपया देने, और जिसके घर में बेटी है उसको फिक्स कर दिए 25,000-50,000 रुपया, सभी परिवार को 10-10 हज़ार रुपया। तो ये जो विधवा करने आए हैं विधवा बिला, तो इनसे पूछिए कि कानून बनाने में ये थे कि नहीं, और इनसे ये पूछिए कि इसके पहले 4 बार यहाँ मरे थे तब कहाँ थे, ये मेरा सवाल है। तो यही तो और सवाल विधानसभा में जब उनसे पूछे गए तो उनको गुस्सा आ गया। बड़ा सवाल है कि सर, जो बेचने वाले हैं उनका नाम यहाँ से लेके पटना तक, ठीक है, यहाँ से लेके पटना तक पता रहा, अभी नाम बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों का FIR क्यों नहीं कर रही प्रशासन? सर मैं अभी थाना से इंस्पेक्टर से मिला हूँ, उन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों ने 4 बड़े माफिया पर FIR कर दिया जिसमें अनिल सिंह भी है। मैंने पांडे जी को गलत गिरफ्तार करके लाया, मैं उसकी भी चर्चा किया कि सरकम ट्रांसेस नहीं है, तो आप आम आदमी को नीतीश जी कहते हैं, और शराबबंदी के बाद 6 लाख जो जेल गए वो गरीब है, और जो प्रताड़ित हो रहा है वो गरीब है। दूसरा तरफ पासी का तारी रोकते हैं शराब के आर में, वो भी गलत है। तो ये जवाब छपरा के जो महारथी लोग हैं, बड़े नेता, उनको देना चाहिए ना। हम तो तीनों दारू जब बंद हुआ तो आए थे, हम नीतीश कुमार जी का प्रयास को गलत तो नहीं ठहराइएगा ना, सही प्रयास था ना। बात अलग है कि गांव में शराब कम रुके, लेकिन यूथ के हाथ में कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स और व्हाइटनर ज्यादा चला गया, 90% यूथ के हाथ में चला गया शराब के बाद, और होम डिलीवरी से लेके सब होने लगे, और जहरीली शराब दलित और गरीब के गांव में भट्टी पप्पू यादव माफिया बनाना शुरू कर दिया, और प्रताड़ित सबसे ज्यादा गरीब होगा। मुद्दा जो है जो ग्रामीण का है, मुआवजा को लेके है कि मुआवजा सरकार करे नहीं देंगे? सर मुआवजा पप्पू यादव है ना, आप भरोसा रखिए, मैं आपको बच्चे की सौगंध कहता हूँ, सबको 50-50 हज़ार रुपया। सर ये आप देंगे, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं? सर प्रयास करने में बीजेपी थी ना, तो बीजेपी जब भर भर बोलेंगे और सिन्हा जी आज जहाँ पर मर रहा है उस पर चर्चे नहीं करेंगे, और आप CM को कहिएगा इस्तीफा देने, तो बट नेचुरल है जब आप कानून साथ मिलके बनाए तो आपको पूछेगा ना कि आप नहीं थे उस बार। CM को गुस्सा आने का, जब कोई सुधार होगा, मैं मानता हूं कि एक अमेंडमेंट करनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक की जरूरत है CM साहब को। मैं सलाह नहीं दूंगा, आग्रह करता हूं एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जहरीली शराब को मिटिया मिट कैसे किया जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स कोरेक्स को कैसे मिटाया जाए इंपॉर्टेंट है, और शराब पर 80% टैक्स लगा के गांव में मत करिए, शहरों के होटल में इसको खोलने का एक 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 सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है, मैं जो समझता हूं। और मेरे कहने से नहीं, सर्वदलीय बैठक या जन समर्थन की बात करें उनसे ले, निर्दोष लोग, गरीब, दलित, कमजोर तबके के लोग, जिस जात के मिडिल क्लास के लोग हैं वो प्रताड़ित शराब में ज्यादा हुए हैं,
मैं जहां जहां गया हूं, शाह, मुसलमान, दलित, पांडे, पंडित, जादव, राय, इन लोगों ने शराब पी करके बर्बाद हुआ है। 13 तारीख को कंटेनर कटाया अनिल सिंह के भट्टी पर, धनंजय सिंह, और इसमें सारे बड़ी मछली है, MLA, MP सब इन्वॉल्व है, सबका पैसा लगा हुआ है, सब पर FIR होना चाहिए। अब जहरीली शराब से कोई मरे तो DM SP से लेके सब सस्पेंड हो, और MLA MP भी उसको एकोमेंडेट किया जाए उसको, कि आप भी दोषी होंगे। कानून बनाते हैं तो सख्त बनाइए, अन्यथा कोई नया रास्ता निकाल करके बिहार के आम और गरीब लोगों को बचाना चाहिए, मेरा मानना जी। सर मैं तो कह ही रहा हूँ, तो ये जो ये कौन विभाग है, अबकारी विभाग का नाम है चोर विभाग, चोर चोर मौसेरा भाई, थाना हो गया मंत्रालय, अब भरवा लोग नेता लोग ये भरवागिरी करते हैं, औकात है नहीं गरीब की मदद करने की, राम स्वार्थ रहा उन लोगों, रूडी जी को पार्टी से निकालेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे नहीं, आ इस्तीफा मांगेंगे खाली नीतीश कुमार से। सर मैंने आपको अभी दूधनाथ सिंह नहीं बोले, हम अभी दूधनाथ सिंह नहीं बोले, हम तो बोले दूधनाथ सिंह, आप नहीं सुने सर। सर मैं दूधनाथ सिंह बोला, सर बोला 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 सर, गुड्डी पांडे जी का हम, उन्होंने कहा कि हम, आप एक बार SP साहब से बात कर लीजिए, इनके नौकर ने उनके बारे में बोला जो एडमिट हुए थे कि हमको शराब उन्हीं के द्वारा उपलब्ध हुआ था, इनको बोलिए कि बता दें शराब कहाँ से लाए, हमने कहा किसी के कहने पर किसी की गिरफ्तारी, बोला नहीं सर उन्हीं का नौकर है, तो उनको छोड़ा। एक मिनट सुनिए ना, तो एक मिनट भैया आराम से, हम इन्हीं के चलते थाना गए, नहीं तो नहीं जाते, हम SP से बात करते हैं, और जरूरत होगी तो इस सवाल पर मुख्यमंत्री से बात करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।